गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक आप जो देख रहे हो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ डार्विन, या जिसको हम डार्विनिज्म का सिद्धांत या डार्विनवाद भी कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ये चैप्टर भी आपके लिए कोई नया नहीं है, ये आप पढ़ते रहे हो। लेकिन जितनी कहानियां आपने पढ़ी है ना, उसको हम थोड़े से नए लाइट में देखेंगे। कुछ ऐसी चीजें और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे चीजों को और बेहतर परिप्रेक्ष्य में, बेहतर प्रोस्पेक्टिस में समझने की समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये समझते हैं कि डार्विन के सिद्धांत के लिए उनको कहाँ से आइडिया आया और किस प्रकार से आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए उन्होंने प्रिंसिपल दी, जो आज भी एक हिस्टोरिकल प्रिंसिपल माना जाता है, रिमार्केबल प्रिंसिपल माना जाता है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही जो उस टाइम एक्सप्लेन नहीं हो पाई, क्योंकि डार्विन के आलोचक भी बाद में हुए, समर्थक भी हुए। तो चीजें उस टाइम एक्सप्लेन नहीं हो पाई, लेकिन जैसे जैसे हमारे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी का उद्भव हुआ, आगे जैसे प्रोग्रेस हुआ, तो वो चीजें एक्सप्लेन भी हुई। और टू सम एक्सटेंट ये माना जाता है कि कुल मिलाकर के आज भी जो सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी है विकासवाद की, वो डार्विन का सिद्धांत ही है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता क्या है, विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि ऑल लिविंग स्पीसीज आर डिसेंडेंट ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, यानी कि प्रत्येक जो जीवित प्रजाति इस धरती पर है, प्रत्येक जो जीवित जीव है इस धरती पर, उसकी जितनी प्रजातियां हैं, वो सारे के सारे अपने किसी पूर्वजों के संतान हैं। एंड डिफरेंट फ्रॉम, और वो जो पूर्वज थे जिनकी संतानें की आज के जीव हैं, आज के जीवों की प्रजातियां हैं, वो पूर्वज आज के प्रजातियों से भिन्न हुआ करती थी। और ऐसा इसलिए हुआ कि देयर वॉज ए क्यूमुलेटिव चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो वहां का जो समष्टि थी, उनका जो पॉपुलेशन था, उनमें जो उसका जो जेनेटिक संगठन था, जीनी संगठन था, अनुवांशिक संगठन संगठन जो था, उसमें परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन एकत्रित होते हुए, परिवर्तन क्रमिक रूप से एक दो तीन चार ऐसे होते रहे, और वो सारे चेंजेज, उनके अनुवांशिक लक्षणों में होने वाले सारे परिवर्तन जो है क्रमिक रूप से संग्रहित होते गए, जिसकी वजह से कि आज जो भी जीवित प्रजाति है वो अपने पूर्वजों से भिन्न है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है कि जितने भी जीवित प्रजातियां धरती पर हैं, वो अपने पूर्वजों से भिन्न है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन पर पूर्वजों में क्रमशः कुछ अनुवांशिक परिवर्तन आते गए, जो समय के साथ संग्रहित होकर के इतने बदल गए कि उन पूर्वजों की संतानें पूर्ण रूप से भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इसकी हिस्ट्री तो जानते हैं आपकी, इससे पहले नेमार का सिद्धांत हमने कल ही पढ़ा है। तो बहुत सारे जेनरेशन ऑफ साइंटिस्ट के जरिए इसकी हिस्ट्री बताई गई, लेकिन जो मान्य हिस्ट्री है, उसका जो मान्य इतिहास है, जो वैलिड थ्योरी है आज की तारीख में, वो डार्विन के है। और डार्विन के ही समकालीन रसल वैलेस थे, इन्होंने भी सिद्धांत ऑलमोस्ट उसी टाइम दिया था, और ये काफी चर्चा का भी विषय रहा। फिर इन दोनों को एक साथ पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया गया, लेकिन फिर डार्विन ने अपनी किताब पब्लिश कर ली। ये कहानी लंबी है, मेरे ख्याल से ये शायद स्कूल में भी 11वीं या 12वीं की पुस्तक में, बायो की पुस्तक में है ये कहानी। चलिए उसकी चर्चा हम भी नहीं करते। दूसरी बात, मैंने कहा कि डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था 1859 में, और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत डार्विन के थे, जैसे कि उन्होंने सिद्धांतों के जो का जो पॉस्टुलेट था, सिद्धांतों का जो पार्ट था, वो एक्सप्लेन नहीं होता था। जैसे डार्विन ने एक का वेरिएशन, तो वेरिएशन कहाँ से आता है, तो बाद में जब
थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स आई, अनुवांशिकी का सिद्धांत आया जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उसके बाद डार्विन के सिद्धांतों की कई चीजें एक्सप्लेन हुई। ये जेनेटिक्स के बेसिस पर जो इवोल्यूशनरी थॉट थे, जो विकासवाद का दर्शन था, सिद्धांत था, वो साबित हुआ। तो इस थ्योरी को एक अंजाम तक पहुंचाने में, उसको एक वैलिडिटी देने में, क्या कहते हैं उसको, एक ऑथेंटिसिटी देने में कि हाँ ये थ्योरी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान था। और ग्रेगर जॉन मेंडल की थ्योरी डार्विन से कुछ 5-6 साल बाद आई थी। तब तक डार्विन के पहले सॉरी डार्विन के बाद इसका सिद्धांत आया, इसलिए बहुत सारी चीजें जो डार्विन की थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हुई थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सप्लेन किया। और कुछ चीजें जो ग्रेगर जॉन मेंडल के टाइम एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, वो बाद में जब हमें जीन्स की मॉलिकुलर संरचना पता चली, हमें जीन जो मॉलिकुलर बायोलॉजी पता चली, जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, आणविक धरातल पर कैसे जेनेटिक्स काम करता है, अनुवांशिकी के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, इसकी जब जानकारी हुई, तब और चीजें एक्सप्लेन हो गई। तो ये क्रमिक चीजें हैं, लेकिन जो जिस वैलिड फॉर्म में आज जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इन्हीं तीन चरणों में उस जगह पे आया है जिसको जिसको आज तक लोग मान जिसकी मान्यता अभी भी सबसे ज्यादा है। तो चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था और 1882 में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उन्होंने ये कहा, ये डार्विन के सिद्धांत, देखिए दो कैच पॉइंट है, दो कीवर्ड्स है। एक है नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर वरण करती है, नेचर चयन करती है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पहली चीज तो ये है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत कहते हैं। और दूसरी चीज जो इसमें आती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल का मतलब होता है उत्तरजीविता, जीवित रहने की क्षमता। तो किसका फिटेस्ट, जो सबसे सक्षम है वो उसकी उत्तरजीविता होती है, सक्षम रहते हैं वही अंत में सरवाइव करते हैं, बाकी के सारे खत्म हो जाते हैं। दो कीवर्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, और ये नेचुरल सिलेक्शन शब्द जो है ये डार्विन ने ही प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था। तो इसको कहते हैं डिसेंट एंड मॉडिफ। डिसेंट मतलब एक से दूसरी पीढ़ी में आना लक्षणों का, और उसका परिवर्तन होना, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और फिर उनका रूपांतरण होता है आवश्यकता अनुसार। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑन अर्थ आर रिलेटेड, है ना। जब हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जितने प्रजातियां धरती पर हैं, जितने प्रजातियां आज धरती पर रह रही हैं, सबके सबके क्या होता है कि सबका जो जेनेटिक मटेरियल है सब डीएनए है। तो इसका मतलब आज से जो करोड़ साल पहले भी जो जीव धरती पर रहा था ना, वो भी हमसे किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके अलग अलग प्रकार की प्रजातियां बनी हैं। तो क्योंकि एक प्रकार की प्रजाति दूसरे प्रकार की प्रजाति को, या एक प्रकार के क्लास के जंतु जो हैं दूसरे प्रकार के क्लास के जंतु को जन्म देते हैं, या उनको जो उनसे उनसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि जितने प्रजातियां धरती पर हैं वो विकास क्रम में या अनुवांशिक रूप से हमसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, हमसे कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और ये कोई कुछ ऐसे, अब हुआ क्या होगा कि जैसे मान लीजिए गाय है, अब हम कह दें कि हम जो है गाय से रिलेटेड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई मैमेलियन स्टॉक ऐसा रहा होगा जिससे कि अंगुलेट्स और प्राइमेट्स दोनों बने, ठीक है। उसके बाद ये है किताब डार्विन की, आप जानते हो 1959 में ये पब्लिश हुआ था, और इसको क्या कहते हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। हालांकि उन्होंने कई ऐसे भी लिखे और कई प्रकार के उनके दूसरे सिद्धांत भी हैं, जैसे एक एक सिद्धांत
पेंजीन का सिद्धांत है, पेंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, कई और सिद्धांत दिए थे उन्होंने, लेकिन उनका ये वाला सिद्धांत सबसे फेमस है और कई किताबें लिखी थी उन्होंने जंतुओं के बिहेवियर पे लिखी थी, एक ऐसे जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा था, कई और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, बट दिस बुक इज प्राइमरली साइटेड फॉर हिज थ्योरी, क्योंकि जो 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 थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जो सारे पॉस्टुलेट्स थे वो इसी किताब में मिलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब कि जितने जितनी जीवित प्रजातियां हैं धरती पर, किसी न किसी प्रकार से दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और फिर क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन के अनुसार उसमें डाइवर्सिटी, उनमें विविधता आती है, उसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। एंड एक्चुअली इट इज द नेचुरल सिलेक्शन, ये प्राकृतिक चयन है जो अनुकूली विकास को जन्म देता है, क्योंकि एक जंतु से जब दूसरा जंतु तभी विकसित होगा जब उस प्रकार से विकसित होने में फायदा हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई जो है वो क्या करता है कि मान लीजिए किसी के घर में दर्जी का कारोबार है, अब ये देख रहा है कि दर्जी के कारोबार में उतना फायदा रहा नहीं, लोग कपड़े सिलवाते नहीं है, आजकल क्या है रेडीमेड या ऑनलाइन खरीद लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका बेटा क्या करेगा, वो दर्जी का काम नहीं सीखेगा, वो क्या चाहेगा कि छोटा मोटा कोई दुकान एक शोरूम खोल ले जहां वो रेडीमेड कपड़े बेचा करे। अब रेडीमेड कपड़े बेचने लग गया तो पुरानी विधा तो भूल जाएगा, बिजनेस के नए गुण सीखने पड़ेंगे उसको कि कहां से चीजें लानी है, कैसे बेचनी है, कैसे अपना ग्राहक का बेस बढ़ाना है, कैसे सारा हिसाब किताब अकाउंटेंसी रखनी है, कहां से उनको पूंजी आएगी, ये सारी चीजें जो है ये एक कॉमन जो दर्जी होता है उसको समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ कपड़े सिलने आते हैं, लेकिन जो इसकी संतान हुई वो कपड़े सिलने की विधा भले ही भूल गया, नई पांच चीजें सीखी उसने। सो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड एंड बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, है ना। तो उसी प्रकार से क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, मार्केट का जो फोर्सेस है उसमें उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा किसी दर्जी का या कपड़े सीने वाले का, उसको बहुत लिमिटेड बिजनेस मिल रहा है। इन दैट कंडीशन परिवार को अच्छे से पालना करना, अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना संभव नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कंपल्सन कि वो अपना जॉब चेंज कर, लेकिन जॉब चेंज करेगा तो ऐसा नहीं करने लगेगा कि वो धागे बनाने लग जाएगा, वो कोई ऐसा प्रोफेशन चुनेगा जहां प्रोफेशन जाने के बाद उसको कुछ फायदा होता है, चलो कपड़े की दुकान नहीं खोलेगा, कोई और बिजनेस करेगा, लेकिन वो देखेगा कि मार्केट में डिमांड कैसी है। मान लो कि रेडीमेड की 50 दुकानें ऑलरेडी है, फिर 51वीं दुकान खोलेगा तो उसको फायदा नहीं, वो देखेगा कि मार्केट की आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से हमें कौन से बिजनेस करना चाहिए। अगर हम अपने पिताजी का व्यापार छोड़ रहे हैं या पिताजी का जो प्रोफेशन है वो से हम अलग हो रहे हैं तो हम कौन किस प्रकार का की विधा अपनाएं। यही कंडीशन ऑलमोस्ट जो नेचुरल कंडीशन में जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो प्राकृतिक चयन होता है, उसमें भी ये चीज लागू होती है। तो डार्विन का जैसे मैंने बताया कि 12 फरवरी 1809 में जन्म हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसमें आई थी। डार्विन डेवलप्ड द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ दैट एक्सप्लेन्स हाउ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कि किस प्रकार से आज की तारीख में पाई जाने वाली प्रजातियां, द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो मॉडर्न प्रजातियां हैं, कैसे लंबे समय में एक क्रमिक रूप से इवॉल्व हुई हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले बताया था, जब हम एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ना कि एक कॉमन एंसेस्टर था सबका, इंसेक्टिबोरा का जानवर था। अब उससे क्या हुआ कि उससे बंदरों की प्रजातियां भी हुई, बैट्स की प्रजातियां हुई, उससे हाथी बना, उससे प्राइमेट्स बना, उससे लंगूर बने, उससे क्या कहते हैं दूसरे जो घोड़े टाइप जानवर बने, है ना, उसके बाद हाथी टाइप जानवर बने। तो कहने का मतलब है कि मतलब इतने सारे ऑर्डर जो मैमल के जो आज की तारीख में दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑर्डर एक ही साथ बने थे, कोई मैमल का एक पुराना स्टॉक रहा होगा मैमेलियन जंतुओं का,
और उसमें क्या हुआ कि वो अलग अलग नीचे में जाकर के अलग अलग आवासीय क्षेत्र में जाकर के परिवर्तित होते रहे होते रहे होते रहे, और इन दैट वे क्या हुआ कि एक कॉमन स्टॉक से जो है सारे के सारे बने, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी एक का टाइटल सपोज करो किसी एक परिवार की टाइटल होती है, से फॉर एग्जांपल कोई चौबीसा है, हैं? तो अब हिंदुस्तान में जहां भी चौबीसा है सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये टाइटल है, एक जाति है, किसी एक जाति का आदमी है, तो उसके पूर्वज कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। तो उसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां दिखाई पड़ती हैं धरती पर, वो सब की सब एक कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुई हैं, यही इसने बताने की कोशिश की। अब आपको एक कहानी पता है कि एक जो इंग्लैंड के राज घराने की तरफ से उनको खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए खर्चा दिया गया, फिर उन्होंने एक जहाज लिया किराए पे, नाम था उसका HMS बीगल, और उससे वो पूरी दुनिया के सारे आइलैंड घूमे। और देखिए ये रास्ता था HMS बीगल का, ये पहले न्यूजीलैंड गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से होते हुए ये हिंद महासागर से होते हुए एक उत्तमाशा अंतरिक्ष जो अफ्रीका का सबसे सदर्न टिप है जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उससे निकलते हुए फिर ये कहाँ पहुंचे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से फिर ये क्या हुआ कि ऊपर चले गए अटलांटिक ओशन में और ये ब्रिटिश आइलैंड तक गए, फिर वहां से नीचे आए, फिर साउथ अमेरिका के किनारे ये अर्जेंटीना ब्राजील होते हुए और फिर इधर एक जगह पे पहुंचे जिसको कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड मतलब एक कुछ द्वीप समूह था इस जगह पर, है ना। ये जो पैसिफिक ओशियन का भाग है ये क्या है, एक छोटा सा द्वीप समूह है, अलग अलग छोटे छोटे द्वीप हैं, ये पूरा एरिया है, इसको कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। जब डार्विन वहां पहुंचे तो इनको लगा कि ये तो बिल्कुल एक प्रकृति की प्रयोगशाला है, यहाँ पे इट्स अ लेबोरेटरी ऑफ द नेचर, इतने प्रकार के जानवर, इतने प्रकार के वेरिएशन, सेम एक ही प्रजाति के या एक ही जीनस के जो जानवर हैं, इतने प्रकार के वेरिएशन उनको देखने के लिए मिले। और वो जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किए तो उसके हिसाब से उन्हें अपना सिद्धांत बनाने में काफी मदद मिली। वो 5 साल तक रहे और ये जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन थे, सारे प्रेक्षण उन्होंने किए पूरी जर्नी के दौरान में, खासतौर से जैसे मैंने कहा गैलापागोस आइलैंड पे, वो सारे के सारे जो प्रेक्षण है उसको सबको उन्होंने देखा, उसको विचार किया, उसको मंथन किया, और मंथन करने के बाद ये क्रांतिकारी जो विकासवाद का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इन्होंने दिया। क्या क्या देखा उन्होंने कि डिफरेंट है बट सिमिलर एनिमल इनहैबिटेड, सेपरेट बट सिमिलर हैबिटेड, एक प्रकार का ही आवासीय क्षेत्र है लेकिन एक दूसरे से अलग है, अलग है लेकिन क्या कहते हैं उनमें कुछ समानताएं भी हैं। तो डिफरेंट बट सिमिलर एनिमल इनहैबिटेड, सेपरेट बट सिमिलर इनहैबिटेड। जैसे अब जैसे कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, तो कुल मिलाकर के अगर जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो उनका क्लाइमेट एक जैसा है, लेकिन कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इंग्लैंड में नहीं मिलते। सिमिलर एनवायरनमेंट है लेकिन जानवर अलग अलग हैं, है ना, या एक ही प्रकार का एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग जानवर है लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपना अपना आवासीय क्षेत्र बना लिया है, अपना हैबिटेट बना लिया, अपना नीके बना लिया है। तो डिफरेंट येट रिलेटेड एनिमल ऑक्यूपाइड द डिफरेंट हैबिटेट विद इन अ लोकल एरिया, एक ही आवासीय क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं वो अलग अलग हैबिटेट अपना लेती है। जब हमने इकोलॉजी में आपको नीके पढ़ाया था तो हमने देखा था कि एक पेड़ पर कई प्रकार की चिड़िया रहती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारी चिड़िया एक ही तरह का खाना खाएगी, कोई सीडी बोरस होगी, कोई इंसेक्टी बोरस होगी, हमने बताया था ना। तो ये है क्या कि लोकल एरिया सबका पेड़ होता है, सब दे ऑल आर लिविंग ऑन द ट्री बट दे हैव एक्वायर्ड डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट निकेस, है ना। जैसे टॉयटाइज और जो बर्ड्स थे इनमें वेरिएशन बहुत पाया गया गैलापागोस आइलैंड में। जैसे देखिए ये एक फेमस है डार्विन फिंचेज एक प्रकार की चिड़िया है। अब सारी की सारी चिड़िया बेसिकली देखा जाए तो एक जीनस की ही है,
उनका वन सेम है, प्रजातियां भी सेम है बहुत हद तक बहुतों में। लेकिन अब आप क्या देखते हो कि जैसे एक है वेजिटेरियन ट्री फिंच, ये लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है, स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है, वुड पैकर फिंच है ना, वॉबलर फिंच है, कैक्टस ग्राउंड फिंच है, ये सारे के सारे फिंच है। उसमें है क्या दिक्कत कि कुछ जो है फ्रूट ईटर है, से फॉर एग्जाम्पल ये जो वेजिटेरियन ट्री फिंच है फ्रूट फल खाने वाले, क्योंकि इनका जो बिल है, इनकी जो चोंच है, वो सबकी चोंच जो है इसी हिसाब से रूपांतरित है जो उनका भोजन है उसके हिसाब से। जैसे अब ये क्या करना, अब यहां से यहां तक ये जो चारों प्रजातियां 1, 2, 3, 4 ये चारों ट्री फिंच है, चारों पेड़ पे रहती है, लेकिन ये तो फल खाती है, ये जो है ये क्या कहते हैं ये इंसेक्टिवोरस है, बड़े बड़े इंसेक्ट को खाती है, छोटे इंसेक्ट को खाती है। अब इंसेक्ट इन्होंने बंटवारा कर लिया अपना, भाई बड़े को तुम खाना छोटे को हम खाएंगे, क्योंकि अगर एक तरह का खाना खाएंगे ना तो फिर इशू ये होगा कि फिर वहां कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो जहां तक कोशिश की जाती है कि एक हैबिटेट में हो तो अपना एक निकेत अलग बना लो, अपना फीडिंग हैबिट अलग अलग रखो, तब साथ साथ एक जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। अगर एक मार्केट में सारे के सारे एक ही प्रोफेशन करने लग जाए तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे वुड पेकर फिंच है या ट्री फिंच है तो ये इसमें बंटवारा हो गया। फिर देखिए कुछ वॉबलर फिंचेज हैं, ठीक है, इसमें प्रोबिंग भी ले, ये एक्चुअली गड्ढे में या पेड़ के उसमें कहीं प्रोब करके खाते हैं, ये इंसेक्ट खाते हैं या कैक्टस खाते हैं। उसी प्रकार से ग्राउंड फिंचेज हैं जो जमीन पर रहती हैं, इसमें क्या होती है सीड खाती है, ठीक है, ये ग्राउंड सारी की सारी ग्राउंड फिंचेज। तो कहने का मतलब आप देखिए कि एक ही जगह पर इतने तरह तरह की चिड़िया रह रही है और किस प्रकार से उनमें भिन्नता है, सब समान है। जैसे मैंने कहा दे आर ऑल हैविंग सिमिलरिटी बट दे ऑल आर डिफरेंट, वो उनमें समानता है, लेकिन समानता इसलिए कि सारे के सारे एक प्रजाति की है, उनका जो शरीर है, पंख है, सिर है, बाकी सारी चीजें समान है, सिर्फ उनकी जो चोंच है ना, चोंच में वेरिएशन है, उनका जो फीडिंग हैबिट है उसमें वेरिएशन है, सो दे आर सेम बट डिफरेंट। उसी प्रकार से देखिए ये कछुआ है, ये पिंटा आइलैंड इंटरमीडिएट सेल वाला कछुआ है। अब यहां पर क्या है कि यहां देखिए इसकी गर्दन देखिए, इसकी गर्दन देखिए और इसकी एक गर्दन देखिए। ये जो इसाबेला आइलैंड वाला डोम शेप्ड सेल वाला कछुआ है ना, अब यहां क्या है कि इस जगह पर इसको खूब सारा वेजिटेशन वनस्पति मिलती है, तो इसको गर्दन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, जहां रहता है वहीं पर इसको खाना प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो सेडल बैक सेल वाला जो कछुआ था ना हुड आइलैंड पे, ये इस आइलैंड पे, यहां क्या था कि भोजन थोड़ा कम था, तो इसको क्या करना पड़ता था कि अब ये है कि पूरा का पूरा शरीर ये नहीं घुमा सकता, गर्दन को जितना आगे पीछे घुमाएगा तो उससे इसको भोजन ढूंढने में आसानी होगी। और ये जो पिंटा आइलैंड वाला था ये इन दोनों के बीच का है ना, इसकी गर्दन ना तो उतनी लंबी है ना उतनी छोटी है, तो भोजन की उपलब्धता के आधार पर इनमें परिवर्तन था। दूसरा कि एक हटन्स एंड लॉयल का एक सिद्धांत था कि उन्होंने कहा कि अर्थ इज मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, मिलियन क्या बिलियंस ईयर ओल्ड, आप जानते हो कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि जो अर्थ है वो उसकी उसका वो इस शेप में जो आया है वो लाखों करोड़ों साल में होने वाले जो भूगर्भीय परिवर्तन है उसकी वजह से हुआ है। तो लायल ने ये कहा कि द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट टुक प्लेस थ्रू काउंटलेस स्मॉल चेंजेज अकरिंग ओवर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक चलने वाले समय वाले एक परिवर्तन की वजह से, भूगर्भीय परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है कि जो पृथ्वी का शेप बना है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, महाद्वीपीय चलन होता है, और आज जहां पर हिमालय है वहां पर कभी समुद्र लहराता था, ये कल ही बात की मैंने, कल बात की थी या इससे पहले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जब बता रहा था तब बात की थी। उसी प्रकार से अब ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जियोलॉजिक प्रोसेसेस दैट शेप द अर्थ हैपेंड स्लोली एंड स्टिल हैपनिंग टुडे। अब इसने डार्विन को, इस सिद्धांत ने डार्विन को एक क्लू दिया, क्योंकि डार्विन जब वो बीगल पे चल रहे थे तो जाहिर सी बात है जहां समुद्र में जा रहा था आदमी क्या करेगा, वो पढ़ेगा,
तो पढ़ने उन्होंने लायल के प्रिंसिपल को पढ़ा और उससे उनको एक आइडिया आया कि जब पृथ्वी में आज जिस जैसी पृथ्वी है ये करोड़ साल पहले नहीं थी, तो इसका मतलब पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है। जब पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब पर्यावरण में वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि द एनवायरमेंटल इज चेंजिंग या एनवायरमेंट चेंजेज ओवर द टाइम, मतलब जो पर्यावरण है वातावरण है वो समय के अनुसार बदलता है। और अगर समय के अनुसार से वातावरण या पर्यावरण बदल रहा है और उन पर रहने वाले प्रजातियां अपने को उस प्रकार से बदलेगी नहीं, अनुकूलित नहीं करेगी, तो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। एक क्लू इनको यहां से मिला, जब ये साउथ अमेरिका में थे, साउथ अमेरिका में हमने देखा काफी लंबा टाइम था इनका, तो उन्होंने कुछ अर्थ को एक देखा और वो अर्थ को एक इतना स्ट्रांग था कि समंदर के अंदर 3 मीटर आगे तक जो है ना एक पत्थर पहाड़ जैसी संरचना बन गई है ना। क्या लिखता है कि इट वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द रॉकी शोर लाइन 3 मीटर आउट ऑफ द सी विथ मसल्स एंड अदर सी लाइफ क्लिंगिंग टू इट। और जब वो अंदर जब घुस गया, वो पत्थर जैसी संरचना घुस गई, तो जो मसल जो कुछ ये जो मोलस्क थे और जो वहां के सी लाइफ था वो पत्थरों से चिपक गए जाकर के, पत्थरों से क्लिंग कर गए है ना। ठीक है, इट वॉज स्ट्रॉन्ग सो लिप द रॉकी शोर लाइन 3 मीटर आउट, नहीं उल्टा मैं बोल गया, ये आउट ऑफ द सी मतलब कि समुद्र आगे बढ़ गया, वो पत्थर पीछे खिसक गया और इसके जो जीव थे वो सारे पत्थरों से चिपके रह गए। तो इस प्रकार का परिवर्तन है, मान लीजिए जो जीव कभी पानी में था पत्थर पे चिपक करके जमीन, मतलब वो एक सूखे वातावरण में आ गया। ऑब्वियस ही बात है कि उस कंडीशन में रहने वाले जो प्राणी है उनको बदलना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बहुत सारे मेराइन एनिमल के फॉसिल ऑब्जर्व किए, कहां माउंटेन्स पे, समुद्री जीव के जीवाश्म उनको मिले कहां पहाड़ों पर जो सी लेवल से हजारों फीट ऊपर थे। तो अगर जैसे मैंने कहा ना कि जो ये कैसे पता चलता है कि हिमालय पर्वत के जो जहां पर है वहां पर कभी समंदर था, क्योंकि हिमालय पर्वत के कभी चट्टानों के बीच से ऐसा देखा गया है कि उसमें से कुछ समुद्री प्राणियों के जीवाश्मीय अवशेष मिलते हैं, ये डार्विन ने भी देखा था। तो ये डार्विन के ऑब्जर्वेशन से ये हुआ कि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। और ये लायल सही था, फिर ये कहानी हो गई। दूसरा ये लेमार्क का जिराफ वाली कहानी थी, लेमार्क का जिराफ में ये हम जानते हैं। तो जो लेमार्क की थ्योरी थी ये पहली थ्योरी थी और ये डार्विन से अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखें इसको तो डार्विन से कितने साल पहले की थी, जो डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था 1959 में और लेमार्क ने सिद्धांत दिया था अप्रोक्सीमेटली 1809 में, यानी ठीक एग्जैक्टली 50 साल पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था। और जो लेमार्क ने जो बातें कही थी वो भी डार्विन भूले नहीं थे, उन्होंने एक्चुअली उसको एक अल्टरनेट थ्योरी भले ही दी। अब जैसे आप सारे डार्विन का सिद्धांत जानते हो, अब मान लीजिए कि आपको कोई ये कहे कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द लेंथनिंग ऑफ द नेक ऑफ द जिराफ, जैसे जिराफ एक ऐसा प्राणी था धीरे धीरे ये इस प्रकार का हो गया, आखिर हुआ कैसे। आप कहते हो कि जो लेमार्क की थ्योरी गलत है, यानी यूज एंड डिसयूज से नहीं आया है, तो डार्विन ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन एक दूसरे ढंग से किया। ये मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर ये हमने डिस्कस कर लिया कि लेमार्क का सिद्धांत कई प्रकार से गलत था, कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेकिन ये क्या लिखा कि लेमार्क्स वर्क पेव द वे फॉर लेटर बायोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग डार्विन, डार्विन के अलावा दूसरे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको सोचने के लिए मजबूर किया, या इवोल्यूशन की थ्योरी को फर्दर आगे एक नए स्वरूप में देने में लेमार्क का योगदान है, क्योंकि शायद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तीसरी चीज जो जिससे डार्विन प्रभावित होकर के जिनसे उनका थ्योरी आता है, दैट इज द थ्योरी ऑफ माल्थस, ठीक है। ये माल्थस का सिद्धांत है
और क्या कहते हैं, माल्थस का सिद्धांत है। और ये कहता है कि जो पॉपुलेशन के जो लोग हैं ना, मतलब जो जनसंख्या है, जनसंख्या बड़ी तेजी से वृद्धि करती है। मतलब लोगों का जन्म जिस गति से होता है, मृत्यु उस गति से नहीं होती, इसलिए जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती रहती है और जनसंख्या के वृद्धि होने की क्षमता अपार है। लेकिन क्या है कि धरती पर जगह है या जो खाद्यान्न कोई प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजें लिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी वृद्धि क्षमता अपार है और जो भोजन के जो स्रोत हैं वो लिमिटेड है ना, या उसी प्रकार से जो आवासीय क्षेत्र है वो लिमिटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके लिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनसंख्या है जो आगे बनेगी, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन या क्या कहते हैं, स्पेस रहेगा नहीं। तो क्या होगा कि फिर युद्ध, क्या कहते हैं, फेमाइन, मतलब क्या कहते हैं, अकाल या बीमारियां कुछ ऐसी होंगी जो क्या करेगी, वो नेचुरल वे में पॉपुलेशन को एक लेवल तक ले आएगी। फिर एक और चीज जिसने एक्चुअली डार्विन को प्रभावित किया था, वो था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कि उसने जो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स जो होते हैं, जो तरह तरह के प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग करते हैं और ये होता है, तो उस ब्रीडर को देख करके कहा कि अगर ये ब्रीडर इस प्रकार से अलग अलग लक्षणों के प्राणी की इंटरब्रीडिंग करा करके वेरिएशन पैदा कर सकते हैं, तो नेचर में तो इसकी अपार क्या कहते हैं क्षमता, इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचर प्रोवाइड द वेरिएशन, मतलब होता क्या कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर जो होता है वो वेरिएशन प्रोवाइड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसी गाय चाहिए या ऐसी बकरी चाहिए या ऐसी मुर्गी चाहिए जो ज्यादा दूध दे सके, ज्यादा अंडे दे सके, ऐसी भेड़ चाहिए जो ज्यादा ऊन दे सके, या ऐसी फसलें चाहिए जो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के प्रति क्या कहते हैं उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो, है ना, बाढ़ बाढ़ में वो गिरे नहीं, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, उसका यील्ड ज्यादा हो, उसकी उपज ज्यादा हो। प्लांट ब्रीडर यही तो करते हैं ना, अलग अलग धान की गेहूं की प्रजातियां आती हैं तो इसी पर्पज से होती हैं, ताकि जो कल्टीवेशन जो हो या जो 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 यील्ड है वो ज्यादा हो। तो इसके लिए नेचुरल वेरिएशन को देखते हैं और वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग वेरिएशन वाले पौधे को वो ब्रीड कराते हैं। लेकिन इसके लिए वेरिएशन कहाँ से आता है, ये नेचर से आता है, और नेचर ने जो वेरिएशन दिया है उसको आर्टिफिशियल सिलेक्टर क्या करते हैं, उसको यूज करके नई प्रजाति बनाते हैं। तो फिर तो जो नेचुरल रूप से वेरिएशन है वो उस प्रकार के सिलेक्शन के लिए नेचर को भी तो एक संभावना, नेचर के को भी तो एक टूल देती है, नेचर को भी एक रास्ता देती है कि नेचर भी सेलेक्ट करके एक नए प्रकार के जंतु को पैदा करे। जैसे का आर्टिफिशियल ब्रीडर करता है तो नेचर में भी तो ऐसा सिलेक्शन हो सकता है ना, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है उसी प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये तीन चार चीजें थी जिनको देख करके डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रपोज किया था। इसका सिद्धांत है क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की रहने तो यहीं तक, ये करीब 33 मिनट का लेक्चर हो गया, फिर ये आपको पढ़ने में दिक्कत होगी।